क्या आपको पता है इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ये तीनों अलग अलग एंगल में सैल्यूट क्यों करते हैं? और एक ऐसा गांव जहां पे सड़क ही नहीं है। हाँ दोस्तों, और एक ऐसा फूल जो कि 7 साल बाद खिलता है और सिर्फ 7 दिन तक के लिए ही खिलता है। ऐसे ही अद्भुत जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला फैक्ट एक ऐसे खूबसूरत पेड़ के बारे में जो कि ड्रैगन ब्लड ट्री के नाम से जाना जाता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानेंगे इस पेड़ के बारे में। ये पूरे 650 साल तक जिंदा रहता है। वहीं इसकी हाइट 37 से लेके 39 फीट तक जाती है। और एक बहुत ही स्ट्रेंज फैक्ट है इस पेड़ के बारे में। ये पेड़ एक लाल कलर का लिक्विड निकालता है जो कि ड्रैगन ब्लड के नाम से जाना जाता है। इसलिए इस पेड़ का नाम है ड्रैगन ब्लड ट्री। ये बिल्कुल एक मशरूम की तरह लगता है। हमारा अगला फैक्ट एक ऐसी खूबसूरत जगह के बारे में जहाँ पे ग्रीन फील्ड, येलो रिवर, ब्लैक बीच और ब्लू सी एक साथ मिलते हैं। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है जो कि आइसलैंड में है और इस जगह का नाम है स्कार्टफेल। हमारा अगला फैक्ट है भारत का ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ की सिटी जो है वो कलर कोऑर्डिनेटेड है। इस स्टेट का नाम है राजस्थान। जैसे कि जोधपुर ब्लू कलर के लिए फेमस है, वहीं जयपुर पिंक कलर के लिए फेमस है, झालावाड़ पर्पल के लिए फेमस है और उदयपुर व्हाइट कलर के लिए फेमस है। हमारा अगला फैक्ट एक ऐसे खूबसूरत से फूल के बारे में जो पूरे 7 साल बाद खिलता है और सिर्फ 7 दिन के लिए खिलता है। उस फूल का नाम है आर्गिरोक्सीफियम। इस खूबसूरत फूल को ही फ्लावर ऑफ पेशेंस के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला फैक्ट एक ऐसे विलेज के बारे में जहाँ पे सड़क ही नहीं है। दोस्तों यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि नीदरलैंड के गियाथॉन विलेज के बारे में। इस पूरे विलेज में सड़क ही नहीं है। पूरा विलेज कैनल से भरा हुआ है और यहाँ पे कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं चलता। सिर्फ बोट के सहारे इस पूरे विलेज में घूमा जा सकता है। इन कैनल्स को पार करने के लिए इस पूरे विलेज में 180 ब्रिजेज हैं। दोस्तों आपने पिछले फैक्ट में जाना कि सड़क ही नहीं है, लेकिन हमारा अगला फैक्ट है एक ऐसी सड़क जो कि पानी के अंदर धस जाती है। एक ऐसी सड़क जो पूरे दिन में 2 बार पानी के अंदर धस जाती है। मैं बात कर रहा हूँ फ्रांस के बारे में। फ्रांस में एक ऐसी जगह है जहाँ की सड़क नीचे धस जाती है पानी के अंदर। दोस्तों जब सड़क के ऊपर पानी आता है तो सड़क 13 फीट नीचे तक धस जाती है। वहाँ के लोग अवेयर रहते हैं इस पानी को ऊपर आने से पहले। उस सड़क के पास एक स्पेशल साइड पैनल रहता है जिसकी सहायता से हम ये मेजर कर सकते हैं कि पानी कब ऊपर आने वाला है। दोस्तों कभी भी आप फ्रांस जाएं तो ऐसी एडवेंचरस जगह पे जरूर जाइएगा। इस वीडियो का आखिरी फैक्ट है इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स इन तीनों का अलग अलग स्टाइल क्यों है सैल्यूट करने का। एक इंडियन आर्मी सोल्जर जब सैल्यूट करता है तो उसका पाल्म जो है वो ओपन रहता है और फेस करता है जो सामने व्यक्ति है जिसको वो सल्यूट कर रहा है। और सल्यूट करते हुए सोल्जर ये शो करता है कि उसके पास वेपन नहीं है, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। एक इंडियन नेवी सोल्जर हमेशा शिप पे काम करता है जिस वजह से उसके जो हाथ हैं वो डर्टी और ग्रीसी हो जाते हैं। जब एक इंडियन नेवी सोल्जर सल्यूट करता है तो उसका हाथ डाउनवर्ड फेस करता है जिससे उनको कभी ये ना लगे कि वो अपने सीनियर्स की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। एक इंडियन एयरफोर्स का सल्यूट 45 डिग्री पे होता है, ग्राउंड से लेके स्काई तक की प्रोग्रेस को शो करता है। इस वीडियो में मैं आपके लिए आज एक होमवर्क लेकर आया हूँ, बटरफ्लाइज के कितने लेग्स होते हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।